शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। लखनऊ तुमको आना है हमारे साथ मैडम सर बनके। देखो तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो, तुम ही हो जो हमें उन तक पहुंचा सकती हो, हमारी बात को समझ रही हो। क्या सोचा तुमने, क्या जवाब है तुम्हारा? ठीक है, नहीं आएगी मैं। क्या? अरे खाते में लिखना रे। अरे क्यों नहीं आओगी तुम? सुनो तो, रिंग रिंग रिंगा रिंग रिंग रिंगा, बात तो सुनो, सुनो ना। अरे हम बात कर रहे हैं ना, हम बात। हाँ आप कर लीजिए। क्या रे काटिया? सुनो सुनो ना, सुनो ना, तुम हमारी मदद क्यों नहीं करना चाहती? इनको तो ठीक है कांटे लगे, हम पे भी कांटे लगे हैं क्या? कांटे तो गुलाब में भी लगे हैं मातारी। मातारी तो नहीं नहीं नहीं, आइटम आइटम आइटम, कांटे तो गुलाब में भी लगे आइटम, लेकिन तुम लोग की एक ही चीज है जिसपे इतना गुस्सा आता है ना मेरे को, मेरी सटक जाती है, सनक जाती है, ये तुम्हारी वर्दी। साला एक दिन नहीं जाता जब भी पुलिस वालों के साथ फालतू का मचमच नहीं हो जाता। जितना वड़ा पाव नहीं बिकता ना मेरा, उससे ज्यादा हफ्ता देना पड़ता है ये कांटे लोगों को। और तुम लोग बोल रहे हो कि मैं तुम लोग की मदद करूं, जमनार नहीं। अरे बात नहीं नहीं, मैं तुम जैसे पुलिस वाले को रेकड़ी पे बिठा के विसर्जित करके आएगी, लेकिन मदद नहीं करेगी। जाओ अभी। तुम देश के लिए कुछ करना नहीं चाहती हो? संभालिए, आप संभालिए अपने आप को। देश के लिए कुछ करना नहीं चाहती हो क्या? बिल्कुल नहीं। मैं क्या तुमको क्रांतिकारी लगती? आई एम अ कॉमन मैन, कॉमन लेडी। अपने को खाली एक ही चीज से प्यार है, वो है पैसा। और जो अपने को बहुत अच्छे से कमाने को आता है, ये देश बीच मैं नहीं बचा सकती है। चलो तुम लोग के साथ दो मिनट और रुकी ना, तुम लोग तो जयंती कर दोगे रे मेरा। उर्मिला मात्रे अमर रहे। क्या है ना, अपने को अभी जरूरत है एक मस्त पोरगी की, अमर शिंदे अमर पाटिल जैसा। ए नहीं तो तेरे लल्ला भी चलेंगे। अरे काय के लिए तू पसंद आई अपने को, बोल छोड़ता कैसे? नहीं छोड़ता ना। तो छोड़ दे। मतलब तुम अपने अपने देश के लिए कुछ भी नहीं करोगी? प्यार नहीं है तुम्हारे मन में अपने देश? अरे है ना, बहुत प्यार है रे बाबा। पिक्चर शुरू होने से पहले वो जो दो मिनट का जनगण मन होता है ना, वो मैं फुल सीधा एकदम स्ट्रेट खड़ा होकर मुंह जवानी बोलती हूँ। 15 अगस्त 26 जनवरी को मैं झंडा लगाती अपनी रेकड़ी पे। इनफैक्ट डिस्काउंट देती मैं आने वाले लोगों को, कैसे तुम जय हिंद करेगा तो तुमको एक वड़ा पाव मुफ्त मिलेंगे। बस दो दिन का देशभक्ति जमता है अपने को, इससे ज्यादा नहीं जमता अपने। अभी बस हो गया तुम लोग का नाटक, अभी कल सुबह ने का मस्त गर्मा गर्म वड़ा पाव खिलाएगी। उधर से जाओ तुम, तुम्हारा लकवा मुंबई। सुनो बात सुनो, सुनो तो सही। कहां से लाएंगे आप? कैसे चल रही हो उबड़ खाबड़ रास्ते पे, आप गिर जाएंगे। हाँ क्या कह रही थी तुम संतु? अच्छा स्लीपर कोच में भी वेटिंग दिखा रहा है, ये तो बड़ी दिक्कत हो गई। नहीं तुम एक काम करो, 3 टायर AC का टिकट बुक करा दो एक। हाँ 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 मैं चेक कर रही हूँ, एक मिनट। फोन दीजिए फोन दीजिए। दीजिए ना, बात कर रहे हैं ना। हाँ संतु को टिकट विकेट नहीं कराना है, क्या है कि हमारा कंफर्म टिकट है तो कराने का कोई जरूरत नहीं, समझ रही हो? अरे हम हमारे टिकट की बात थोड़ी ना कर रहे हैं। तो वो भी तो आएगी ना हमारे साथ, उर्मिला लाइए फोन दीजिए। हाँ सुनो संतु, तुम एक लिए 3 टायर AC में टिकट बुक करा दो उर्मिला महादेव महात्रे के नाम से। एक मिनट, कोई जरूरत नहीं है संतु, कोई टिकट बुक नहीं करानी है, ठीक है? अरे टिकट बुक करानी है, तुम करा दो टिकट। नहीं नहीं संतु, टिकट बुक नहीं करानी, वो हमारे साथ नहीं आ रही है। नहीं नहीं एक सेकंड, आप सास बहू दोनों पहले मिलकर डिसाइड कर लो टिकट बनानी है कि नहीं बनानी है। निकालना निकालना है ना, आप तो पौआ पी के टल्ली थी। है पुष्पा जी आपने फिर से पिया? अरे नहीं नहीं अब हम बाद में बात करते, कुछ भी बात कर। कुछ भी क्या, उसने साफ साफ मना कर दिया, उसने साफ साफ बोल दिया कि वो हमारे साथ नहीं आना चाहती है। फिर काहे आप पीछे पड़ी है? वो एक आखिरी उम्मीद थी हमारी मैडम सर के कातिलों तक पहुंचने की, वो भी हाथ से निकल गई हमारी। जानते हैं, मगर वो कहते हैं ना कोशिश और उम्मीद आखिरी सांस तक नहीं छोड़नी चाहिए। क्या पता हमारी जीत वही हो जहां हमें लगता है कि हम हारने वाले हैं। अरे जब तक हम हैं तो क्या गम है। आपने मैडम सर के तरीके से उसे समझाने की कोशिश की थी ना कल, आज हम उसे उसी की भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। वो कैसे अम्मा? बस आप देखते जाइए कैसे। अभी क्या बताऊं मैं तेरे को वो मातारी और चटक चांदनी के बारे में। पुलिस वाले जेंट्स की लेडीज मचमची करते हैं,
ऐसे आलू आज बहुत बेकार है। नहीं नहीं नको मला। अल्लाह शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर, वो भी दो दो। मैडम देखो कितनी बार बताऊं मैं तुम लोग को, मेरे को तुम्हारे ऑफर में पावली भर भी इंटरेस्ट नहीं है। मैं अपना अच्छा खासा बड़ा पाव का धंधा छोड़ के तुम लोग के साथ लखनऊ बिकनऊ नहीं जाने वाली है, इसलिए मेरा पीछा छोड़ो। सुनो तो हमारी पूरी बात तो सुनो। अरे कितने डेट हो रहे तुम दोनों, ये काहे है? तू मेरी असल की सास होती ना तो तेरे मुँह में कांदा भरती हूँ, ताकि जब भी तू मुँह खोलती ना बड़बड़ करो उतना कांदा कट कट के निकलता, छुरी की जरूरत नहीं पड़ती। ए तू गप रे, तेरे मुँह में नहीं तो आलू भरेगी और चिप्स निकालेगी। देखो मैडम मैं तुमको जितना प्यार से बोल सकती है ना उतना प्यार से एक मस्त बात बताती है, मुंबई में किसी का टाइम खोटी करना पाप है पाप, और तुम दो दिन से मेरा टाइम खोटी कर रहे हो, इसलिए जाओ अभी यहाँ से। तेरे टाइम का भाव क्या है? कर तुम्ही ने कहा ना कि मुंबई में टाइम खोटी करना पाप होता है, इसलिए पूछ रहे हैं कि तुम्हारे टाइम का भाव क्या है। ए क्या रे मातरी, सुबह सुबह पौवा टिका के आई क्या कि बुखार भी कराए इसको? अरे हमारे कहने का मतलब ये है कि तुम दिन में कितने वड़ा पाव बेच लेती हो? जितना तेरी जवानी में दिन बचे उसका डबल, क्या करेंगी? जितना पूछा उतना जवाब दो ना। ए नहीं नहीं हमारे कहने का मतलब ये है कि जितना पूछ रहे हो उतना ही जवाब दो ना। हमारी जवानी दिन का 250-300 पकड़ के चलो, त्योहार के दिन 500 तक बेचती है। अच्छा एक वड़ा पाव का 10 रुपए, हाँ तो दिन में 250 मतलब हो गए 2500। तुम्हारी जो लागत है, तुम्हारी जो मेहनत है, वो सब हटा के तुम्हारा दिन का मुनाफा हो गया 1000 रुपए, सही ना? हाँ हाँ। आपके पास कितने पैसे निकालिए? पर आप क्या कर रही हैं? निकालिए तो सही। ये देखो ये पूरे 2000 रुपए तुम्हारी एक दिन की कमाई के दुगने। रखो रखो। कायदे से आज के पूरे दिन पर हमारा अधिकार है, हाँ तो बिना बकवास किए पहले हमारी बात सुनो फिर फैसला ले लो तुम्हें क्या करना है, ठीक है? ए क्या लगता है क्या रे तुम लोग को कि मैं इतनी बिकाऊ है कि तुम लोग सुबह सुबह पूरे दिन का कमाई मेरे हाथ पे रख दोगे तो मैं तुम लोग की हर बात मानेगी? मानेगी ना बोल। ऐसा तुम्हें रोज मिले तो? रोज बोले तो? रोज बोला। अरे मतलब क्या? अच्छा अच्छा मतलब ये कि अगर तुम हमारे साथ लखनऊ आती हो तो हम तुम्हें दिन के रोज 2000 रुपए देंगे। कोई मेहनत नहीं, कोई झकझक नहीं, इधर शाम हुई उधर 2000 तुम्हारे हाथ में, बोलो मंजूर है? दिन का 2000? हाँ। मंजे महीने का 60000? महीने का 60000? क्या हुआ दीदी, सब ठीक तो है ना? ए तू कब बस रे, ए नक्की बोल रहे हो ना, मजाक तो नहीं कर रहे ना मेरे साथ? उधर जाके पलट गए ना तो मैं बहुत बम मारेगी। नहीं महीने का 60000, सोचो सौदा बुरा नहीं है। महीने का 60000, कहाँ से देंगे हम 60000? हाँ हो जाएगा, सब हो जाएगा, बस एक बार वो हमारे साथ लखनऊ आने के लिए तैयार तो हो जाए। अरे पर 60000 आप समझ रही हैं आपको? और कोई रास्ता है हमारे पास मैडम सके हत्यारों तक पहुँचने का? यही है जो हमें उन तक पहुँचा सकती है, और इसके लिए अगर हमें हमारा सब कुछ बेच कर भी इसे लेके जाना पड़ेगा ना तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। चलिए तो क्या सोचा है तुमने? दिन का 2000 नक्की? हाँ, नक्की पक्का। रोकड़ा देगी? रोकड़ा रोकड़ा रोकड़ा। हाँ 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 कैश। और ये चटक चांदनी कोई घपला नहीं करेगी? नहीं बोल विट्ठल की कसम। हाँ हाँ विट्ठल की कसम। तो चलो चलो फिर, चली रे चली, मैं लगना चली अभी, देखो क्या मत एक नंबर लगन बनाएगी मैं। ए हटे नहीं चाहिए तेरे भाजी, मैं जा रही है लखनऊ, चल माता री। आजा आजा। ए दादा, अरे उर्मी को देखा है क्या? है बगीले। ए क्या है यार तू भी, ए भाव
उर्मी को देखा है? नहीं। अरे मालूम है वो किधर नहीं रहेगी, वो सिर्फ यहाँ पे है अपन के दिल में। उसके नाम का टैटू बना के रखा यहाँ पे, ऐसा यहाँ पे करेगा अपन। अरे मोहब्बत ही अपना किया है, मोहब्बत ही अपना जहाँ है। कोई बताएगा मेरी उर्मी कहाँ है? अरे थैंक यू भाई लोग, थैंक यू। आज प्रपोज डे, प्रपोज डे। देख जितना मोहब्बत करते हैं उतना बड़ा ग्रीटिंग है। ए, बैटरी, अपनी उर्मी को देखा है? उर्मी? हाँ। वो तो गई। किधर? लखनऊ। अच्छा लखनऊ, किधर? लखनऊ। ठंडी रे बाबा, दार बंद करा। ठंडी रे, इतनी ठंडी में कैसे काम करते रहे तुम लोग? मैं ठंड में नहीं रह सकती, थोड़ा जाओगे ना मेरा? क्या मस्त रे, कितना बड़ा घर है मुंबई में। इतने बड़े घर में तो अच्छी बस्ती बनेगी। मस्त मस्त। ये तो मैं, ये हसीना मैडम। हाँ भाई, मुझे इतना बड़ा घर ये मेरा हुआ। मैडम सर का घर है ये। आयला, मेरे को ही हसीना मैडम बना के लाए ना तुम लोग, तो मेरे आए हुआ ना। क्या तुम लोग खाली पीली कौन रे? तुम लोग देखो, इससे ज्यादा ठंडी हुई तो मैं चुप रहो। संभाल के चलो मैडम। तुम लोग अंदर आओ, जल्दी जल्दी। माफ कर सकते हो, मना किया था ना, यहाँ कहाँ आए? नीलू मैडम से की हम शक्ल देखना था, तो फिर हमसे रहा नहीं गया। कहाँ है वो? कहाँ है वो? वहाँ बैठी है, जाओ देखो। अरे ये तो चौकीदार लग रही है। हाँ ए टकलिया, देखा देखा है ना, हूबहू मैडम सर। हाँ, हमने भी जब पहली बार इसे देखा ना, हम भी धोखा खा गए थे, है ना। बनी बनाई मैडम सर, मगर सिर्फ शक्ल ही मैडम सर से मिलती है, बाकी एक भी गुण नहीं। वैसे देखा जाए तो मैडम सर के शरीर में रावण है, रावण। सुनो, ये है बिल्ला, ये चीता है, वो संतोष। किसने रखा ये इधर? किसने? दीवारे लेकिन संतोष तो लड़के का नाम होता है ना? लड़कियों का भी होता है, मेरा है। तू जब भी आई तो तेरे आई बाबा ने देखने से पहले तेरा नाम लिख दिया था क्या? अच्छा तो फिर हाँ कौन? चीता चतुर्वेदी है हम। चीता जी। अरे तो फिर बिल्लू कौन है? मैं आई एम बिल्लू द स्पाई, बिल्लू। अरे चाइला, जिसका नाम संतोष होना चाहिए था उसका चीता है। आणि हाँ, तुझा है ब्लैक पेंथर, हा बिल्लू है का? आणि ही, एक मिनट, एक बात बता मेरे को, तू पहले से ऐसी है कि बाद में सफेद पेंट करा है? पक्का है रे? अरे देवा, कुठे फसवलं रे मला, अभी तू ही बचा मुझे को। मस्त। अरे क्या देख रहा है? का 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 सफेदी की चमकार, जरा इधर आओ। ए तू, पकड़ 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 पकड़।
अरे साधा मन, तेरा हसीना मैडम के साथ चक्कर चल रहा था ना, है इसका चल रहा था ना लफड़ा वाला, इसका हसीना मैडम के साथ। नहीं नहीं, मैं एक्टिंग करेगी, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक मिनट, कुछ भी बोले जा रही है, कुछ पता कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं था हमारा मैडम सर के साथ। माता रही एक संग माला, ये हसीना वाली का किसी से लफड़ा फिफड़ा नहीं था क्या? काय के लिए, अगर मेरे जैसी दिखती है तो बॉयफ्रेंड तो रासे था। बॉयफ्रेंड कौन? नहीं था, नहीं, मैडम सर का किसी के साथ कोई लफड़ा विफड़ा नहीं था। हाँ, और अगर था भी तो उससे तुमको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तुम्हें यहाँ लाया गया है मैडम सर का जीवन जीने, उनका जीवन दिया नहीं गया है तुमको, समझ लो हमारी बात को। यहाँ पर आके मैडम सर से वास्ता रखो, उनके व्यक्तिगत जीवन से नहीं, ठीक है? जो काम के लिए आई हो वो करो। हाँ। चलो काम पे लग जाओ। दो घूट ले और जरा ठंडा हो रहे, जरा यही रागा दस्ते में काम भी बाद में, अभी धंधा खत्म पार्टी चालू। थैंक यू काका। सॉरी, उस तरफ बाथरूम है, इधर बोर्ड लगाने का ना कि बाथरूम उधर है। जिसका था उसको वापस करना चाहिए ना। हाँ हे पुष्पा जी, पूरा का पूरा पवा गटक गई वो। ये भी नहीं सोचा कि आज ड्राई डे है, डबल रेट में मिलेगी, ब्लैक में मिलेगी, मिलेगी नहीं मिलेगी ये भी मालूम नहीं। माँ सही बोल रही थी, ये उर्मिला महादेव मात्र है मैडम सर की हम शकल। बोल तो आप एकदम सही रहे हो चीते, ये चेक करके करिश्मा मैडम की टेबल पे रख देना। नहीं मतलब उसकी जुबान देखी आपने पिल्लू जी, इतनी तेज थी, एकदम नॉन स्टॉप कचर कचर बोले जा रही थी वो। कैसे कैसे बनाएंगे उन्हें मैडम सर जैसा। मेरा पौवा पी गई। क्या हुआ चीते? माँ क्या हुआ? हम ना संतु जी, हम ना शर्मा रहे हैं, खुशी से लबरेज हुए पड़े, खुशी के मारे हम फूला नहीं शर्मा। हाँ हाँ क्यों नहीं, वो मुंबई की मिर्ची ने इसका हाथ पकड़ा था ना, तो खुशी के मारे टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है। क्या बात कर रही संतु जी, क्या बात कर रही संतु जी, बिल्कुल नहीं संतु जी। अरे वो मैडम सर है संतु जी, और मैडम सर को हम अपना आदर्श मानते हैं, भगवान समान है वो हमारे लिए, और हमारे लिए हमारे मन में मैडम सर के हमशक्ल का भी वही इज्जत है जो मैडम सर के लिए था। हम तो शर्मा इसलिए रहे थे क्योंकि आगे क्या, क्योंकि पहला बार कोई हमको बॉयफ्रेंड मटेरियल समझा है संतु जी। नहीं तो जैसा हमारा हाल था ना, हमको तो लगता था कि हम इस धरती पर राखी बंधवाने के लिए और बुढ़ा लोग को सड़क पार करवाने के लिए ही पैदा हुए हैं। पहला बार हमारा आत्मविश्वास ऐसे एकदम आसमान फाड़ा है ना कि हमको लगता है कि हम भी किसी का बॉयफ्रेंड बन सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, तो थोड़ा कम भाव का। आपको ऐसा नहीं लगता है तो क्या हुआ संतु जी? वैसे बाकी सबको लगता है, इन जनरल सबको लगता है बिलोटे बोल। हाँ, इन जनरल इन स्टोर तुम दिखती ही हो, ऐसे लगता है कि जनरल स्टोर के दरवाजे के पीछे खड़े हो, हमारे लिए दरवाजा खोल कर बोल रहे हो, एट योर सर्विस। जब भी मुंह खोलेगा गोबर रखेगा ना। सही बोलना बिलोटा, हम किसी का बॉयफ्रेंड नहीं बन सकते क्या? वो पता नहीं, लेकिन ये उर्मिला महादेव मात्रे मैडम सर बनी नहीं सकती, कते नहीं। ठीक है, ये तुम्हारे आज के पैसे। अब तुम्हें मैडम सर के तौर तरीके सीखने हैं, मैडम सर कैसे बैठती थी, कैसे खाती थी, कैसे चलती थी, कैसे सबसे बात करती थी, ये सब तुमको सीखना होगा। उसके लिए तुमको देना होगा हमें प्रॉपर ट्रेनिंग, समझ रहे हो हमारी बात को? इस ट्रेनिंग में सबसे पहले तुमको यहाँ लैपटॉप पे दिखाया जाएगा कि मैडम सर कैसे क्या करती थी, उसके बाद संतु चीता तुमको करके दिखाएंगे, ठीक है? ताकि तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाए, प्रॉपर ट्रेनिंग। अच्छा अच्छा अच्छा, ट्रेनिंग अनिमी? अरे पर्दा फाड़ एक्टर है मैं। गरीबी और भूख इंसान को एक्टर बना ही देती है मैडम। आज भी अखे दादर में एक कार्यक्रम नहीं है जो उर्मी के ठुमके के बगैर चालू नहीं होता। इधर टेप शुरू, इधर ठुमका चालू, और खाली डांसिंग नहीं है। तुझ मजा नवरा सौतन बनी छुड़ैल, ये दो सुपर हिट नाटक में हीरोइन का काम किया है मैं, टेंशन नहीं लेने का। रिहर्सल की जरूरत अपने को नहीं है, आज भी अपन 40 से गुजरता है तो लोग बोलता है आली रे आली, प्रियंका आली। प्रियंका गांधी? तुम पीछे रहो। देखो रे देखो, लोग बोलते हैं कि अपन साइड एंगल से एकदम प्रियंका चोपड़ा लगते, लगती कि नहीं, लगती कि नहीं, बोल नहीं तो जाएगी मैं वापस। बस क्या, इसलिए मैडम टेंशन लेने का नहीं, संतुलन बना के रखने का। तुम आवाज करो, मैं हसीना का पसीना निकालेगी।
तुमको मालूम भी है हसीना मैडम क्या है, क्या चीज है वो जो तुम उनका पसीना निकालोगी, सात जन्म भी ले लोगी ना तो भी उनका नाखून टच नहीं कर पाओगी, ये है हसीना मैडम। ध्यान रखना, भगवान ने तुम्हें सिर्फ शक्ल दी हसीना मैडम की तरह, समझी, जो तुम्हारा ऊर्जा पूर्जा है ना वो किसी और फैक्ट्री का है, इसलिए काम पर ध्यान दो तुम। संतू इनको वीडियोस दिखाओ हसीना मैडम की। जी बैठ जाओ। सला सफेदी की चमक दाखवा। चलो रेडी। मुंडी ऊपर, हाथ एकदम ऐसे नीचे, और ऑफिसर की तरह चलना, ठीक है?